बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, यूनान से एक्सपर्ट्स मीडिया लाइफ के प्रोग्राम करंट एक्सपर्ट्स करंट अफेयर्स से मैं हूं आपका होस्ट अज़र महमूद, और आज आपके लिए प्रोग्राम लेके आया हूं सुप्रीम काउंसिल, आवाम और इलेक्शन। नाज़रीन, पीसीजी का मतलब पाकिस्तान कम्युनिटी ग्रीस है, इलेक्शन 2012 के सिलसिले में। इस प्रोग्राम में नाज़रीन, पाकिस्तानी कम्युनिटी ग्रीस के उम्मीदवार हमारे मेहमान होंगे, और इसके अलावा इसकी शौर और आगाही के लिए कम्युनिटी का जो इलेक्शन हो रहा है उसके सिलसिले में हम आपको बताएंगे। आज हमारे साथ जो शख्सियत आई हैं उन शरफ मारूफ बिजनेसमैन हैं, सियासी व समाजी शख्सियत हैं, और ग्रीस कम्युनिटी में साबक दो दफा कायम-मकाम सदर रह चुके हैं, इंटरनेशनल अलायंस फोरम के ग्रीस में सदर हैं। जी हां नाजरीन, आप बखूबी जानते हैं वन एंड ओनली चौधरी शबीर दामा साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, वेलकम टू। जी डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले अज़बिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं एक्सप्रेस लाइव डॉट न्यूज ग्रीस टीवी चैनल के तमाम टीवी के तमाम वर्कर्स को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी आवाज़ आवाम तक पहुँचाने में मेरी मदद की, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। यू वेलकम। दाम साहब, आज इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको आपसे ये जो आजकल मुहिम रजिस्ट्रेशन फॉर्म के हवाले से शुरू हुई भी है, आपको भी फॉर्म मिले होंगे, उसके मुतालिक मैं चाहूँगा कि आवाम को आप बताएँ कि इस रजिस्ट्रेशन से क्या फवायद हैं, इसके क्या फवायद हैं, और इसे कि किस तरह पुर करना है, और पुर करने के बाद किन अथॉरिटी को पहुंचाना है, और इसके अगराज और मकासद क्या हैं। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं भी यही चाहता हूं कि लोगों तक जो है आगाही दी जाए जहां तक मुमकिन हो सके। तो आज इसका मौका मुझे एक्सप्रेस न्यूज़ ने दिया, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में चंद चीज़ें आवाम के सामने गोशगुजार करना चाहता हूँ। जी, जैसे कि आप भी जानते हैं और हमारी कम्युनिटी के लोग भी यहाँ पे जानते हैं, मैं अरसा दराज से, यानी अरसा दराज कहना नहीं सही, 12 साल से जिस दिन से कम्युनिटी मार्ज वजूद में आई है। जी जी, तो इसका एक रुकन ज़रूर रहा हूँ, वो किसी जगह पर चढ़कर अहम रुकन हो गया, कभी हजब इख्तलाफ में चला आया, लेकिन ये एक फलाई इदारा है, मैंने कभी भी इससे बाइकाट नहीं किया, और इसकी ये एक वजह है कि मैं आपके सामने आज मौजूद हूँ और आप अपनी आवाम के सामने अपने आप को पेश भी किया है। जी, तो सबसे पहले बात यह है कि 12 साल ऐसा गुजारने के बाद आखिर मैं क्यों इलेक्शन में आया, सबसे पहले जो सवाल पेश होता है। जी, तो मैं हमेशा अपने साथियों से यही कहता हूँ कि देखिए, मुझे किसी शोध की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह के फजल से 95% कम्युनिटी जानती है कि शबीर धामा के नाम का आदमी यहाँ मौजूद है, ना ही मुझे ये प्रॉब्लम है कि मुझे ग्रीक जबान नहीं आती, मुझे अच्छा और बहुत ही अबूरा असर है ग्रीक लैंग्वेज, बाकी रह जाता है हमारा सफरनामा है पाकिस्तान, और उसके साथ भी मेरे अच्छे खासे मुस्बत रिलेशन हैं, और उसमें से भी कभी किसी का जो मुस्बत काम है और जो लीगल है कभी किसी वजह से नहीं रुक सकता, यानी मैं इस वजह से नहीं आ रहा कि मुझे शोहरत की ज़रूरत है, मैं इसलिए आ रहा हूँ कि सबका दौर में जहाँ जहाँ मकाइस मौजूद हैं, क्योंकि मैं इससे रिलेटिव रहा हूँ, तो वो कहाँ कहाँ मौजूद है उन्हें दूर करके आवाम को एक निज़ाम दिया जाए। मुझसे पहले जितने भी कैंडिडेट थे वो सिर्फ
आते थे और लोगों से वोट का मुतालबा करते थे और लोग वोट देते थे और ना उन्हें वो मंजूर देते थे ना उनसे कोई चीज़ हायर करते थे, और इसी वजह से वो लोगों और उनके दरमियान एक रब्ता सिर्फ डेड बॉडी, और जब कोई आदमी पकड़ा जाता है तो अपनी अपनी दुकानदारी चमका रखी थी, कोई 600 लेता है, कोई 400 लेता है, कोई 800 लेता है। तो हम सब ने मिलकर इस निज़ाम को तोड़ना है और पाकिस्तान कम्युनिटी की वो चीज़ें जो, क्योंकि हमें सबक हासिल करना चाहिए अपने पिछले सदूर से कि उन्होंने कहाँ कहाँ गलतियाँ और कोताहियाँ की हैं। एक कोताही ये भी है कि एक साल हो गया हमारा लेक्चर नहीं हो रहा, क्योंकि हम अपने जो अच्छे और मुस्बत लोग हैं वो वक्त पे अपने काम करते हैं, वक्त गुजर जाने के बाद नहीं करते। लेकिन मैं किसी की ज़ात पे कोई जो है वो सख्त लहजा नहीं इस्तेमाल करूँगा, हालांकि मेरा बुनियादी हक है, जब मैं पाकिस्तान कम्युनिटी का रुकन हूँ तो मैं मेरा हक है कि मैं वो कहूँ जो आवाम आम आवाम नहीं कह सकती, क्योंकि मैं आवाम की ज़ुबान बनकर लोगों के सामने और सबका सदूर के सामने ये चीज़ें जो रखनी हैं। तो उसमें अगर तो पिछले दौर में लोगों ने मंशूर दिया और आवाम ने उसे बर्तरफ किया तो फिर आवाम मुजरम है, और अगर किसी ने किसी को कुछ दिया ही नहीं तो फिर आवाम ने तो वोट का हक देना, अभी वोट का हक जो है वो देकर तो उन्होंने आपको एक बहुत बड़ा मनसब दिया और आपको एतमाद दिया। तो इंशाल्लाह मैं आपकी वो खबर जो है आपने जहाँ से स्टार्ट किया था, ये जरूरी था कि मैं दो चार चीजें जो है लोगों के गोश गुजार कर दूँ, क्योंकि हम हमेशा जब भी टीवी और न्यूज़पेपर पे बैठते हैं तो सिर्फ एक ही बात करते हैं कि मरे हुए लोगों की बातें की जाएं, मरे हुए से ज़्यादा जो लाइव जिंदा हैं उन्हें फलाह की ज़्यादा ज़रूरत है। हमने ये कंसेप्ट बना लिया है कि हमारी जितनी हमदर्दी हैं वो सिर्फ मरे हुए लोगों के साथ है। मैंने एक और भी बहुत अच्छा स्टेप लेना है और लिया है, वो भी आवाम के सामने कहता चलूँ कि सबका सदूर जो परसेंटेज डेड बॉडी और लेबर एक्सीडेंट से लोगों के लेते थे, मैंने इलेक्शन कमीशन को लिख कर दिया है रिटर्न कि वो कोई भी सदर इनका हकदार नहीं है, जितनी चीज़ें हैं जहां से भी कोई मामला या जो फंड्स आते हैं वो कम्युनिटी ऑफिस को मिलने चाहिए और यही हमारी तरक्की की राह होगी, क्योंकि अब जब हम अपनी जाती जेबें नहीं भरेंगे तो सबका सदर को ये चाहिए कि आला इखलाक और कौम के आला मियार के लिए जहां तक लोगों के फैसले हो चुके हैं वो उन्होंने क्या उनसे किया है, क्या दिया है, क्या दिया है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। साहब अभी आप अपनी बात में सॉरी, लेकिन एक मिनट में मैं अपनी बात दे देता हूँ, लेकिन जिन केसेस का फैसला अभी पेंडिंग है वो इलेक्शन कमीशन के हवाले करने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भी सदर पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद का इलेक्ट होकर आता है तो सारे मामला वो देखे और वो ही इन्हें जो है वो हैंडल करे, क्योंकि लोगों ने वोट देकर इत्तेहाद का वोट दिया था और इसी वजह से पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद के दफ्तर में केस जो है वो जमा करवाते थे। जी जी हाँ, मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि बातों बातों में आपने मुझे अभी बताया कि एक साल ताखीर से ये इलेक्शन हो रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा इसकी कोई मेन वजह थी, ये इतनी ताखीर क्यों? मैं समझता हूँ कि ताखीर की वजह जो कम्युनिटी है यहाँ ग्रीस में बसने वाली उसके साथ ज्यादती नहीं है क्या? बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है, और हम मेरा ख्याल में मेरी एक अपनी ज़ाती राय है, मैं और जो आवाम में लोग चैलमोइयाँ करते हैं तो यही करते हैं कि यार कोई आदमी जो है वो सदर छोड़ना नहीं चाहता, आई समझ, इसी वजह से ये डिले हो गया। लेकिन मैं एक वादा आपके यहाँ प्लेटफॉर्म से एक और ऐलान भी करता हूँ, बल्कि मैं अपने हल्का भाव से करता हूँ जी। मुझे जिस तरह मैंने अर्ज किया कि मुझे शोहरत की ज़रूरत नहीं है, मैं इंशाल्लाह एक साल में 20% तक जो है वो लोगों को आगे लेकर ना गया तो शबीर दामा तमाम कौम को सलाम करके अपने घर चला जाएगा। मैं आऊँगा आपके मौजूदा निज़ाम से, क्योंकि अभी आपने जो सुप्रीम कौंसिल तश्कील दी गई, आप मुझे ज़रा थोड़ा सा सुप्रीम कौंसिल से मुतमिन हैं?
मैं मुतमईन हूँ, बल्कि जुवेद असलम साहब जो है साबका सदर ये मेरी ही राय थी जो उन्होंने तस्लीम की थी कि तमाम मजहबी जमातों में से एक एक, और मैं एक बात की आगाही लोगों को और भी देता चलूँ कि सुप्रीम काउंसिल जो है पहले दिन से ही तमाम मजहबी जमातों से एक एक नुमाइंदगी लेकर इसकी बुनियाद रखी दिया, तो मैंने उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाया और उनसे ये मेहनत मान की यार छोड़ो लोगों को, लोग तो बहुत सारी बातें करते रहेंगे, आप एक एक आदमी तमाम तंजीमों से लेकर एक सुप्रीम काउंसिल का ऐलान करते हैं और मैं इंशाल्लाह सबसे पहला मैं आदमी हूँ जिसने इन्हें एक्सेप्ट किया है और आज भी एक्सेप्ट करता हूँ। नमा साहब अभी चले बात चल निकली है इसी हवाले से तो मेरे जहन में एक सवाल आ गया है कि ये पिछले दिनों में जो मीडिया पे इस तरह का जो आपने देखा होगा आपके जेन में आया होगा और उसमें आपका मैं जेन जानना चाहूँगा कि क्या वो अच्छा हुआ? डॉक्टर साहब माशाल्लाह मुझे तो नहीं था इतना यकीन था आप इतने अच्छे अच्छे सवाल किए हैं, मैंने तो कहा कि आप सिर्फ राइटर हैं तो अप्रिशिएट करता हूँ आपको, लेकिन एक बात यूनान में तकलीफ दे है जहाँ साफी बरादरी लोगों तक खबरें पहुँचाने का एक जरिया है वहाँ पे मनफी रोल भी है, और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा तमाम बरादरी से साफी बरादरी जो है कि आप मुस्बत जो है मुस्बत सोच रखें और मुस्बत काम करें, जैसे कि एक खबर मेरे हवाले से लगी थी जी ठीक है, और जिसका रिटर्न लोगों ने आकर बताया था कि ये है जी दामा साहब के बारे में ना कभी हमने कोई बात की थी और ना हुई थी, ये सारी जितनी है ये शरारत हुई है एक प्लेटफॉर्म से, उससे अलावा कितने लोगों पे आसिफ कियानी से माजरत की, मुख्तलिफ लोगों से माजरत की, हम ऐसी चीजें करें क्योंकि हमें माजरत करनी पड़े, उससे पहले जो हमें तहकीक कर लेनी चाहिए और पाकिस्तान कम्युनिटी में इंतशार का बहस नहीं बनना चाहिए। आपका एक किरदार है, आपका एक रोल है, आपने लोगों को रास्ता दिखाना है, आपने समाजी लोगों का मुहासबा करना है, लेकिन अगर आप गलत खबरें छापेंगे तो आप ना किसी का मुहासबा कर सकेंगे और ना ही किसी को रास्ता दिखा सकेंगे। इसलिए अभी करंट इशू जो चल रहा है वो अर्शद मुल्तानी वाले केस है, अर्शद मुल्तानी हमारा भाई है, मैंने उसे अपने ऑफिस में बुलाकर पूछा कि देखिए ये कैसे हो सकता है कि इतनी दीदा दिलेरी हो कि आपने पैसे दिए हो तो कोई आदमी जो है वो इनकार करे, मेरे साथ तो आज तक ऐसा कोई माजरा नहीं हुआ जी। लेकिन फिर भी आप आ जाए, मैं आपके साथ चलता हूँ सुप्रीम काउंसिल के दफ्तर में, उनसे पूछते हैं कि भाई जान क्या बात है जी कि अर्शद मुल्तानी ने पैसे दिए हैं और आप इनकार कर रहे हैं क्यों, तो सबसे पहले मैं वो आदमी हूँ जो उनके खिलाफ जो है वो आलम उठाऊंगा, लेकिन उसके बाद अर्शद मुल्तानी ने मुझसे कोई रब्ता जो है वो नहीं किया, तो मैं तो वैसे ही इतना टाइम ही नहीं होता कि टीवी जो है वो देखूं और ना ही मैंने कभी देखने की कोशिश की है, लेकिन जो कुछ हो रहा है ये गलत है। और एक और भी चीज़ मेरे जहन में आ सकती आ रही है, हो सकता है मैं इसमें गलत हूँ कि चंद लोग हो सकता है इलेक्शन रुकवाने की वजह से ऐसी खबरों और ऐसे बाम पैदा कर रहे हो, लेकिन मैं अपनी कौम से वादा करता हूँ अल्लाह के फजल से हक और सच का साथ दिया जाएगा और पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद का ये पौधा हम सब ने मिलकर लगाया था और ये एक तनावर दरख्त जरूर बनेगा, हाँ इसमें कितनी रुकावटें हों और हम इंशाल्लाह हर रुकावट का जो है वो जवाब देंगे मुकाबला करेंगे। सही, तो मैं दामा साहब आपसे अब आते हैं असल पॉइंट की तरफ कि रजिस्ट्रेशन की जो है क्या अफादियत है, मैं चाहूँगा कि इस रजिस्ट्रेशन के हवाले से आप आवाम को बताएं कि ये जो रजिस्ट्रेशन है क्यों करवाना ज़रूरी है। सबसे पहले मेरा फॉर्म आपके पास है जी, मैं वो आदमी नहीं जो लोगों को मशवरे दूँ और लोगों को कहें कि जी आप मेंबरशिप लें और मैं खुद न, मैंने सबसे पहले चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल के ऑफिस में जाकर अपनी मेंबरशिप करवाई है। तो जब तक हम ब्रेक नाज़रीन सॉरी दामा साहब मैं माजरा चाहूंगा ब्रेक के लिए हम जाना चाह रहे हैं, तो ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन
माजरत के साथ, और दोबारा हम हाजिर होते हैं, यहीं से शुरू करेंगे दामा साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू बैक नाजरीन। तो हमारे साथ आज जो शख्सियत हैं चौधरी शबीर दामा साहब हैं, जो कि इस वक्त इलेक्शन, ग्रीस के इलेक्शन 2012 कम्युनिटी इलेक्शन जो है हो रहे हैं, उनके सदारती उम्मीदवार भी हैं। और मैं चूँकि प्रोग्राम के स्टार्ट में भी नाजरीन आपको बता चुका हूँ कि ये साबक इनका एक्सपीरियंस जो है, तजर्बा जो है, वो एज ए कायम मकाम सदर भी ये रह चुके हैं। तो जी शबीर दामा साहब, हम बात कर रहे थे उसी फार्म के हवाले से, फार्म के हवाले से आपको मतला कर रहा था कि मैंने खुद जाकर चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल से खुद अपनी मेंबरशिप जो है वो ली है। देखिए, इसमें फ़ायदा ही फायदा है, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। दो यूरो में अगर पूरी कौम ईमानदारी से खुद जाकर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जो है वो अपनी मेम्बरशिप लें, या अपने करीब तरीन लोग जो है वो कर रहे हैं उनसे मेंबरशिप लें, तो मेरा ख्याल है ना डेड बॉडी सामने रख कर हमें चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा, ना ही हमें किसी बीमार के लिए लोगों से खराज लेनी पड़ेगी, ना ही अगर किसी का कोई आदमी यहाँ से लेबर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो उसे 2-4 महीने उसकी कफालत करनी पड़ती है, तो किसी किस्म की प्रॉब्लम होगी। हर वो काम करने के लिए हमारे पास पैसे होते हैं, लेकिन मेंबरशिप से हम हमेशा ही एक तरफ जो साहब अभी आप बात बता रहे हैं, मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है, और मैं तो बड़ा हैरान भी हो रहा हूँ और खुश भी हो रहा हूँ कि इस यानी 2 यूरो से अगर ये कम्युनिटी मुतहद होके फॉर्म फिल करती है, करने के बाद जमा करवाती है, तो इसकी यानी मद में उनको यानी डेड बॉडी के जो मसाइल यहाँ चल रहे हैं वो भी नहीं रहेंगे, जैसा कि अभी आप फरमा रहे हैं टोटल आपके मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। और जो आज तक पिछले दौर में नहीं हो सका जी, कि हमारा यहाँ पाकिस्तान कम्युनिटी हाउस हो जहाँ इज्जत और हर पाकिस्तानी को वहाँ से अगर इस क्राइसिस के दौर में सिर्फ 1 टाइम 2 टाइम रोटी मिल जाए ना, तो ये सबसे बड़ा सदका इजादिया भी है जी। लेकिन हमारे लोग कहते हैं एक चीज देने से पहले क्या कहते हैं कि यार चोरी हो जाएगी, मैं कहता हूं कि आप दें किसी को, अगर जब तक आप किसी को देंगे नहीं आप किसी से पूछ नहीं सकते जी। जब आप किसी को देंगे तो उसे पूछ सकते हैं, मैं ये आपको पहन देता हूं, तो मैंने 10 मिनट बाद ये चाहिए तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ डॉक्टर साहब मैंने आपको एक कलम दिया था वो कहाँ है, मुझे वापस करो जी। इसके लिए बेहतरीन सिस्टम यह है कि एक ऑडिट कमेटी होनी चाहिए जी, सदर को भी किसी के सामने जवाबदेह होना चाहिए जी, क्योंकि यहाँ पे कोई आदमी भी वली अल्लाह नहीं है और ना ही को है, सब हम समाजी लोग हैं, लेकिन निज़ाम की बेहतरी के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, तो बेहतरी इसी तरह हो सकती है कि सबसे पहले आप अपना गिरेबान पेश करें। तो जब आपके सामने ऑडिट कमेटी ऐसे होगी कि 2 टीमें आती हैं या 3 टीमें आती हैं, जैसे सदर को वोट डाला जाएगा इसी तरह ऑडिट कमेटी को भी वोट मिलेगा, ये इन लोगों पे हमें यकीन है ये ऑडिट लें, तो छोटा किस चीज का करेंगे सर, जो लोग रजिस्ट्रेशन देंगे, जो रजिस्ट्रेशन देंगे उनका भी जो सदर होगा उसका भी वो ऑडिट कर सकेगा, वो ऑडिट कर सकेगी, और इसके अलावा जो कैबिनेट के मेंबर होंगे उनका भी वो ऑडिट कर सकेगा। देखिए ना जी, आपके पास 10,000 मेंबरशिप आई है जी, उसके इतने पैसे हैं जी, आपने मिशावरत से अपनी कबीला से इतने पैसे खर्च किए हैं, इतने आपके पास बकाया, हर 3 महीने के बाद आप जो है वो पेश करते हैं अखबार में जी,
टीवी के जरिए जो है वो लोगों को, अगर आप एक साफ और शफाफ नजरिया रखते हैं कि मैंने ये निजाम चेंज करना है और मुझे कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है, और ना ही ये छोटे छोटे जो एक बड़ी ये काबिल जिक्र बात है जी जी कि ये लोग 600-800 हजार यूरो लेकर कोई कार्ड बनवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई वकीलों से साथ बात कर रहा है, किसी आदमी कोई नहीं, आप कम्युनिटी से अगर एक वकील भी आए कर सकते हैं तो वो आपके तमाम मामला जो है वो हल करवाएगा, ये कम्युनिटी पे जो है वो करवाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैं उम्मीदें वासिक रखता हूँ कि अगर आपका किबला दुरुस्त है और आपकी सिम्मत जो है वो दुरुस्त है तो इंशाल्लाह आप मंजिल मकसूद पर जरूर पहुंचेंगे। यानी इसका मतलब तो ये हुआ दामा साहब के आवाम को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और इसमें हाँ एक चीज जो मेरे जहन में आ रही है, उसमें तीन खाने बने हैं, एक तो रहायशी परमिट का है, एक रेड कार्ड का है, और एक जो है वो है शौरियत का। तो इसका मतलब ये हुआ कि वही लोग इस पे पूरा उतरते हैं जो यहाँ के रहायशी परमिट के जिनके पास है, या जिनके पास रेड कार्ड है, या जिनके पास जो है शौरियत है। तो क्या इसके अलावा जो पाकिस्तानी यहाँ मौजूद हैं उन पे क्या वो रजिस्टर्ड अपने आप को नहीं करवा सकेंगे? सर मैंने एक लफ्ज पहले आपने मुखफ्फफ पीसीजी बोला, सीजी बोला, लेकिन मैंने अपने भाइयों के सामने पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान का नाम बोला। जी बिल्कुल इसी तरह जब मैं पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान का अदना सा खादम हूँ तो फिर मेरे लिए बिला तफरीक किसी के पास पेपर हैं या नहीं है, मेरा फर्ज है कि मैं उनकी खिदमत और उनके हर दुख सुख में शरीक हूँ। तो हमने ये निज़ाम नादरा की शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की फोटो कापी में रखा है जी, ताकि जब ये पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद के हैं तो हर आदमी जो है उससे यहाँ से जो मेंबरशिप लेने का हक है जी। तो इसके लिए एक जैसे नादरा का शनाख्ती कार्ड है, इसी तरह जो लोग भी मेंबरशिप लेंगे उन्हें एक फॉर्म, ये फॉर्म जो है वो तीन लैंग्वेज में है जी, इंग्लिश जी, ग्रीक जी, और हमारी उर्दू उर्दू। इसलिए इसके फिल करने में किसी आदमी को भी किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं होगी। उसके नीचे जो सबसे है जी जी वो कटिंग है। हाँ ये बड़ी अहम बात आप बताने जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये जरूर बतानी चाहिए जी हाँ जी जी। तो ये जो कटिंग होगी ये उसे आपने पाड़कर उसका नाम और उसका नंबर वगैरह लिखकर उसे पाड़कर दे देना है, यानी जो ऊपर आपने अपना नाम वाले जो लिखे हैं वो बैन ही नीचे भी लिखे होंगे जी हाँ ठीक है। तो वो जो है वो लेकर पाकिस्तान इलेक्शन के बाद पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद के ऑफिस में जो है वो आएगा, उसे बकायदा जो है वो एक कार्ड इशू होगा जी, और ये जितना भी निज़ाम है वो कंप्यूटराइज होगा जी, ताकि कोई फेक या कोई ऐसा कार्ड बनाकर ना करे, क्या मिस यूज ना करे सिस्टम को। तो इंशाल्लाह हम इलेक्शन कमीशन और मैं वही चलूँगा, वो आप बता रहे थे कि वो जो है उसको अलग करके रसीद को वो वो क्या करेगा उसको, वो मेंबर को दे देंगे जिसने मेंबरशिप ली है जी, वो मेंबरशिप मेंबर जो है वो पाकिस्तान कम्युनिटी के ऑफिस में आएगा जी, वहां से उसे जो है वो कार्ड का इजरा जो है वो किया जाएगा। यानी मैं अभी आपकी बात ये समझा कि वो जो फॉर्म इस वक्त जो रजिस्ट्रेशन हो रही है मुख्तलिफ उम्मीदवार जैसे कि आप भी हैं, आप भी करवा रहे हैं, इसी तरह हमारे साथ मजहबी जमाते हैं, इसी तरह हमारे साथ दूसरे लोग शामिल हैं जो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो मैं उनके लिए ये चाहूँगा कि ये ज़रा थोड़ा सा आप उनको भी ब्रीफ कर दें कि कम अज़ कम वो जब फॉर्म किसी को फिल करके दें या करवाएँ तो वो कम अज़ कम वो रसीद उस बंदे के पास होना ज़रूरी है कि कल को अगर वो जमा हो जाए तो वो ये है कि वो अपनी रसीद को दिखा के अपना कार्ड हासिल कर सकता है। मैं यहाँ पे दो गुजारिशात करना चाहता हूँ जी। एक तो ये है कि हमने तमाम लोगों ने बैठकर ये मशवरा किया है कि इस फॉर्म की फोटो स्टेट नहीं होगी जी, इसका एक सीरियल नंबर है जी। खुदा न खास्ता अगर आपसे उस फॉर्म में कोई गलती हो जाती है और वो जो है वो उसे डैमेज करार दिया जाता है जी, तो वो भी पाकिस्तान कम्युनिटी को वापस करना होगा।
अच्छा, यानी वो भी यानी कि ये एक डुप्लीकेट रोकने के लिए ये भी एक तरीका था कि तमाम फॉर्म का सीरियल नंबर है जी जी, ताकि कोई भी आदमी इसको मिसयूज ना करे, ना कर सके। सही सही सही, आई समझ। इसलिए ये जो फॉर्म फिल करके वापस हमें मिलेगा जी जी। और दूसरा ये कि एक बात मैं आपके और भी गोशगुजार करता चला रहती हूँ, खा आदमी जितना भी अमीर आदमी हो जी, पूरी कम्युनिटी की फलाह नहीं कर सकते। ये बात तो सही है। आपने अपनी फलाह खुद करनी है, आपने एक निज़ाम खुद बनाना है जी। और ये निज़ाम कोई एक आदमी नहीं बना सकता जी, आवाम है, और आवाम ही सबसे बड़ा जो है वो अल्लाह ताला का मौजज़ा और उसके जज्बे से सरशार लोग जो है वो निज़ाम की तब्दीली लाते हैं जी। बल्कि मैं दादा साहब यही से मैं थोड़ा सा अच्छी बात याद आई है, किसी बहुत बड़े सियासी लीडर ने ये बात कही थी कि इंसान की जो जन्नत है वो माँ के कदमों में है जी, लेकिन लीडर की जो जन्नत है वो आवाम के कदमों में, अगर वो इसे समझे तो। क्या बात है दाना साहब, ज़बरदस्त। और दाना साहब मैं एक चीज़ और जो इसी फॉर्म के मतलब का आपसे पूछना चाहूँगा कि इसकी फीस तो मेरे ख्याल में ज़्यादा थी, मेरे इलम के मुताबिक 12 यूरो थी। तो इस बदहाली के दौर में और जिस तरह क्राइसिस आया हुआ है यहाँ, तो ये बाकायदा एक मुतफिक का फैसला हुआ कि 2 यूरो इसकी फीस रखी जाए। इसकी भी चेन नुमाइयाँ काफ़ी सारी हुई कि ये इस तरह है। इसमें जरा थोड़ा सा आवाम को बता दें कि ये मैं पहले भी बता चुके हैं आप, जरा मैंने पहले अच्छा रिक्वेस्ट किया है कि हमारे पास अगर कार्ड यूज करने के लिए हमें पैसे चाहिए ना जी, तो 2 यूरो कोई फीस नहीं है जी। सिगरेट पीने के लिए हमारे पास पैसे हैं जी, तो इसीलिए आवाम की मुश्किल को मद्देनजर रखते हुए ये रजिस्ट्रेशन जो है वो 2 यूरो रखी है जी। लेकिन मैं फिर ये बात आवाम के गोश गुजार करता हूँ, अगर आप सारे लोग ये 2 यूरो या 1 यूरो महाना आप इस कम्युनिटी को दें, तो एक तो आप गिरेबान पकड़ कर इनसे पूछ सकते हैं जी कि भाई मैंने आपको यूरो दिया है और मेरे यूरो का आपने क्या दिया है। आज से पहले आपने जब दिया नहीं तो लोग भी आपको 400 के बजाय 600 लेते रहे हैं। इस निज़ाम को तोड़ें जी, अपना इरादे जो है वो पुख्ता करें, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से हर आदमी, देखें हम अब ज़्यादा वक्त जो है यहाँ पे गुजार चुके हैं, मैं तमाम नौजवान को ये पैगाम देता हूँ कि जो अपने अंदर फलाह का जज्बा रखते हैं और जिनके पास टाइम है मेरे साथ आए। मैं ये छोटी छोटी लोगों ने जो बातें आवाम से छुपा रखी हैं, मैं वो बिल्कुल किताब की तरह खोल कर उनके सामने रखूँगा। तो दादा साहब मैं यही कहना चाहूँगा, इसके अलावा यानी फॉर्म पे मैं दोबारा इसलिए कि इस वक्त जो लोगों को इसकी अफादियत और इसके जो है फवायद जो है वो पहले आपने स्टार्ट में थोड़े से बताए, मैं चाहूँगा मज़ीद उसमें ज़रा थोड़े से जिस तरह के डेड बॉडी का आपने बताया, इस तरह के दूसरे छोटे छोटे आपने साथ बताए, मज़ीद आवाम को ज़रा थोड़ा सा दोबारा बताइएगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन से क्या फवायद उसको हासिल होंगे। मेरा ख्याल में इज्तमाई कोई ऐसा मसला नहीं रह जाएगा जी जी कि इस प्लेटफॉर्म से किसी आदमी को उसका सही और मुस्बत हल ना मिले जी जी। हाँ वो वकाला की मद में हो जी, हाँ वो डेड बॉडी की मद में हो, हाँ वो लेबर एक्सीडेंट की मद में हो, ये हमारी बेसिकल मजबूरियाँ हैं। हाँ किसी को हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट के लिए चाहिए। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ कि एक आदमी जो है जी जी अनालोसा में मौजूद है जी, उनका एक्सीडेंट हो गया, वो ग्रीक आदमी उस वक्त उनके साथ गया, उसने जाकर वहाँ पे अपना नाम और पता दे दिया, उसने कहा कि इसका इलाज शुरू करें और इंशाल्लाह इसके पैसे जो है वो पे हो जाएंगे। वो उनके 22,000 यूरो उन्होंने उसका बिल बना दिया। तो जब उसको वो आदमी की डेथ हो गई थी उस वक्त, तो उसने मुझसे रब्ता किया, मैंने गया अपना तरीका एक आज से वो 22,000 यूरो जो है वो माफ़ करवाया। जो एक ग्रीकी बहुत घबराया हुआ था, वो जाने से पहले मुझे टेलीफोन पर कह रहा था कि आपके पास कौन सा अलादीन का चिराग है कि आप इसे हल कर देंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपकी नीयत ठीक है ना जी,
अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से वो दिन दूर नहीं होगा जब आप अपनी मंजिल को हासिल कर लेंगे। हमने बहुत टाइम ज़ाया किया जी। अच्छा दामा साहब, अभी मैं उसी पे आता हूँ कि आप दो दफ़ा चुके सदर भी रह चुके हैं, ठीक है, कायम-ए-मुकाम सदर भी रह चुके हैं, आपने तो ये तजर्बा ये सारा कुछ देखा हुआ है, ये बेयकीनी की जो फजा है इस दफ़ा, एक तो लेट, दूसरा ये बेयकीनी की वजह क्या है, क्यों इस तरह हुआ है और क्यों लोगों में ये आवाम पर ऐसा? मैं इब्तदाई दौर में कायम-ए-मुकाम सदर रहा हूँ, जिस वक्त कम्युनिटी जो है हमारे वजूद में आई, उस वक्त क्या मुतहद थे ये सब लोग और इसी तरह? कभी भी देखिए, कभी भी मैं ना इस एक चीज से हमेशा इख्तलाफ रहता है, तमाम लोग कहते हैं कि आप सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाए, जी जी, हम एक गाँव के रहने वाले हैं, वहाँ पे दो तीन कैंडिडेट होते हैं, जी जी, आपने देखना है कि कैंडिडेटों में आपने मुआवजा करना है कि भाई हमारे लिए कौन अच्छी नवीद लेकर आएगा जी। तो इसके लिए जब मेरा वक्त आया था कायम-ए-मुकाम सदर रहने का, तो उस वक्त कम्युनिटी इब्तदाई दौर में थी, तो इब्तदाई दौर में चंद चीज़ें जो है वो अच्छी हुई थी, हमने बहुत अच्छे तरीके से इसे मुतारफ कराया, भाग दौड़ की हॉस्पिटल्स में, उस वक्त बुनियादी यही चीज़ें रहती थी, लेकिन बदकिस्मती से आगे चलकर इस कम्युनिटी के निजाम को सियासी रंग दिया गया, बल्कि मैं आज भी सियासत हो रही है नहीं, सियासत नहीं, ये प्लेटफॉर्म था जी। और ज़कावला जलाल की फौतगी के बाद ये कम्युनिटी ने ये महसूस किया कि हमारी एक कम्युनिटी होनी चाहिए, हमारा कोई लीडर होना चाहिए जो हमारी बात को सुन सके और हमारी आवाज़ आला काम तक भी पहुँच सके। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ लोगों ने अपने आप को कैश करवाना शुरू कर दिया था। मैं कहता हूँ कि जहाँ भी पाकिस्तानियत का कोई मौका आए वहाँ पे सब आप इकट्ठे हो जाए। और मैं अपनी आपकी बात काट बाकी बड़े जज्बा रखते हैं सारी चीजें, लेकिन मैं आपको बात वो होती है जो अमली हो। जुवेद असलम सदर था उस वक्त, यहाँ पे लदाखोन में दो आदमी जो है वो नाले में गिर कर फौत हुए जी, तो एक काल में हम तमाम लोग वहाँ पे जो है वो मौजूद थे जी। जब भी पाकिस्तानी इज्तमाहियत का मौका आएगा तो हम इंशाल्लाह सब के शाना निशाना खड़े होंगे, लेकिन नजरियात अपने अपने होंगे। ये एक कम्युनिटी का अवसर है, कभी सब लोग एक ही नजरिया रखते हैं या एक ही सोच सबकी हो सकती है? नहीं हो सकती। पिछले दौर में आपने देख लिया पाकिस्तान कम्युनिटी के इत्तेहाद के लोगों ने इतनी कशीदगी आई, इतनी कशीदगी आई कि जो इंतहा को पहुंच गई, वो क्यों? कि आजादी ना के खौल में हम जकड़े हुए थे, आजादी ना के खौल से लोग निकले ही नहीं थे, किसी से आज तक टेबल टॉप सामने बैठकर उसकी जुरत ही नहीं की है, और अगर जुरत भी की है तो मसाजिद वाले चंद मामले मेरे सामने हैं, लेकिन आपका टाइम मेरा ख्याल में थोड़ा रह गया जी जी, तो मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा। वो लोग वहां पर बैठकर अपने वजन को इफा नहीं कर सके, यानी बेयकीनी की वजूहत कुछ इस तरह की है कि जो जब तक हम टेबल टॉक नहीं करेंगे जी जी, हम कभी भी एक मेज पर नहीं बैठेंगे। मेरा नजरिया अलग है, आपका नजरिया अलग है, लेकिन अभी भी हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत ही हर चीज का हल होता है। मैं दामा साहब आपकी वसाजत से यानी रजिस्ट्रेशन जो है वो अहम है, इस वक्त जो मौजूदा सिस्टम चल रहा है उसमें आवाम को बढ़ चढ़ के रजिस्ट्रेशन में हिस्सा लेना चाहिए और अपने आपको रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। और एक चीज़ जो आखिर में दामा साहब, मैं आप बतौर उम्मीदवार भी हैं इस दौड़ में शामिल हैं, तो आप एज ए कैंडिडेट उम्मीदवार, ठीक है, और दूसरा जैसे कि अभी तस्वी सिस्टम शुरू हुआ हुआ है उस हवाले से, जिस तरह की यहाँ की एक सियासी जमात है उसके हवाले से जरा थोड़ा सा चाहूँगा उस पर भी रोशनी डाल दें, और एज ए उम्मीदवार आप जो है क्या पैगाम? हम हर उस जमात को मुंह तोड़ जवाब देंगे जी, वाह वो कृषि अवधि हो या कोई नवंबर हो या कोई और जमात हो जी, क्योंकि हम वो कौम हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह पढ़ने वाले, जिनने मुट्ठी भर में लश्करों का जो है वो मुकाबला किया है। यहाँ पर सिर्फ मैं इतनी गुजारिश करूँगा तमाम लोगों से,
कि आप अपने आप में इज्तमाहियत पैदा करें, अपने आप में प्यार और रابطہ बढ़ाएं। जब हम एक कौम होंगे तो अल्लाह के फजल से सबका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं करनौल मस्जिद में पिछले हफ्ते वहाँ पर मुझे पता चला कि नहीं वो कृषि अवकी वाले आ रहे हैं, 150 आदमी हैं। तो मैं अपने दोस्तों के साथ कंपेन के हवाले से करा चाहिए था, तो वहाँ से आप 10-12 आदमी थे, आप वहाँ से वो सीधे करनौल के प्रांतीय में चेक किया। करीब जो अपने दोस्त अबाब अलका बाब थे उन्हें भी बुलाया, वहाँ पर 50-60 आदमी हम जो है वो इकट्ठे हो गए। तो उस दिन मैंने एक गुजारिश की थी कि आप जितने लोग करीब करीब रहते हैं अपने जो है नंबर एक दूसरे से शेयर करें, और जब भी कोई मौका या वाकया हो तो एक दूसरे के रास्ते रास बन जाए। तो वहां पे लोग कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वाकयात में ऐसा हुआ है कि 5 आदमी हम स्टाफ पे खड़े हुए हैं, 4 आदमी वो आ गए हैं, 1 आदमी को मारते हैं और 4 आदमी खड़े रहते हैं। नहीं भाई, हम सामने मिलकर मुकाबला करना है। मैंने उस दिन भी ये कहा था कि एज ए शबीर दामा आपका खादिम है, उसका नाम लिस्ट में ऊपर लिखो या सबसे नीचे लिखो, लेकिन कॉल जरूर करो, हम एक अदना सी कॉल पर आपके साथ होंगे। और जब वो हम वहां पे मस्जिद में सब जमा हो गए, उन्हें पता चल गया वो 150 आदमी 50-60 आदमी को देखकर दुम दबा कर अपने अपने घरों को चले गए। तो मैं आपको उम्मीदवार इस वक्त आप उम्मीदवार भी हैं, मेरा आप क्या देंगे, आप अपनी आवाम को क्या दे रहे हैं, जो यहाँ कम्युनिटी है उस कम्युनिटी को क्या दे रहे हैं? ग्रीस में सबसे कीमती होता है वक्त जी, जो मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए वक्फ कर रखा है जी। तो इंशाल्लाह मेरा नारा है चेंज, और मैं ये चेंज लाकर छोड़ूंगा, लेकिन अपनी आवाम से इल्तमास है कि वो मेंबरशिप बढ़ चढ़ कर ले अगर उन्होंने निजाम चेंज करना है, क्योंकि आपने चेंज करना है। ये तारीख कौन सी है? इलेक्शन की तारीख अनाउंस हो गई है 9 सितंबर 2012 को इंशाल्लाह पाकिस्तान कम्युनिटी की एक नई सुबह का आगाज होगा इंशाल्लाह, जिसपे चेंज और चेंज लिखा होगा और जिसपे हक सच और हकीकी फैसले किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आप अपने कीमती वक्त में तशरीफ लाए, यहाँ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया नाजरीन, ये था हल्का फुल्का प्रोग्राम। तो इस हवाले से मैं आपसे राय भी चाहूँगा, मेरी स्क्रीन के नीचे नंबर भी आ रहा होगा, अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो बराए मेहरबानी इन नंबर्स पे आप हमें ज़रूर मतला कीजिए। और इसके साथ ही मैं आपका होस्ट अज़र महमूद इस प्रोग्राम एक्सप्रेस करंट अफेयर्स से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।